आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसको स्क्रीन नज़र ना आ रही हो या वॉइस ना आ रही हो, काइंडली आप पहले बता दें ताकि फिर हम वो इशू रिजॉल्व करें। ठीक हो गया। अच्छा, तो कल मैं आपको एग्जांपल दी थी, इंक्रीज सेल्स ऑफ कार्स रिजल्टिंग इन हायर CO2 एमिशंस एंड द फाइनल इफेक्ट इज इंक्रीज ऑफ पोल्यूशन। बेसिकली हमारा मॉडल क्या था, वो ये था कि हमने इंक्रीज कार सेल्स को कनेक्ट किया है पोल्यूशन के साथ थ्रू मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ CO2 एमिशंस। उसके लिए हमने ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन हमने क्या लिया था, हम भावलपुर में फॉर एग्जांपल रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टोटल पॉपुलेशन सैंपल जो है तो उसके लिए हमें एक सैंपल लेना पड़ेगा। उस सैंपल के लिए फिर हमें उसकी पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी कि वो मैच करती है हमारे टोटल सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स के साथ के नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर भावलपुर के अंदर रिज्यूम कर लेते हैं 10 लाख लोग हैं, ठीक है, तो हम उस 10 लाख में से अगर 55% एक्चुअली फीमेल्स हैं और 45% मेल्स हैं। बाय द वे ग्लोबली भी ये जो जेंडर डिसएग्रीगेशन है वो इसी तरह से 55% के अराउंड फीमेल्स हैं और 45 मेल्स हैं। लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन सैंपल है उसके अंदर अगर हम 30% फीमेल्स लेते हैं, 70% मेल्स लेते हैं, तो फिर जो ना आपका जो नॉर्मेलिटी कर्व है वो स्क्यूड होगा टूवर्ड्स मेल्स। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने पेपर में लिखनी पड़ेगी कि हमारा सैंपल ये था और इसकी उड़ी वजह से है, सोशल कल्चरल डिफरेंसेस हैं या कार सेल्स का कोई आपने एक मेथोडोलॉजी बतानी है कि जो जब कार सेल होगी तो जिसके नाम पर होगी हम उसको जो ना करेंगे एज अ जेंडर, उसका हम एसोसिएट करेंगे रिसर्च के साथ। तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फॉर पॉपुलेशन होगी। फिर हमने वर्सेस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर आपकी बेसिक फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, मीन्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाते हैं, मॉड आ जाते हैं, रेंज आप इसमें कर लें, मैक्सिमम मिनिमम कर लें, तमाम वो डाटा जो एक्सप्लेन करता है आपके रिसर्च डाटा को वो डिस्क्रिप्टिव में आता है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम बेसिकली रीजन निकालते हैं कि इसके कॉजेज क्या है इस फिनोमेना के। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बायोवेरिटिक प्रॉब्लम है कि कार सेल्स इंक्रीज होने से CO2 इमिशन इंक्रीज हो रही है, उसका बाय प्रोडक्ट पोल्यूशन है, तो हम फिर CO2 इमिशन और कार सेल्स का आपस में कोरिलेशन करेंगे और ये पता चलाएंगे कि जो वेरिएंस है कार सेल्स की वो कितना परसेंट एक्सप्लेन हो रही है CO2 इमिशन से। ये आ जाती है आपके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जिसके अंदर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिचुएशन को। अगर आपको मैं एक बेसिक मोटा फर्क बता दूं दोनों स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो यही है कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं वो प्रिडिक्ट करती हैं और जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन करती हैं। फिर मैंने आपको लेवल्स ऑफ मेजरमेंट का बताया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होना चाहिए, 99% होना चाहिए, उसके लिए सैंपल साइज कितना होना चाहिए। कल मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि आपने गूगल से जो कैलकुलेटर का वो सर्च किस तरह से करने हैं सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। टाइप्स ऑफ वेरिएबल बताई थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। फिर फाइनली उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बताया था। अच्छा, फिर मैंने आपको नॉर्मेलिटी कर्व का बताया था। अब आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ जो हमने कल पढ़ा, आज एक कल मैंने आपको नॉर्मेलिटी कर्व का बताया था कि जो बेल कर्व की शेप है ना, जिसके अंदर मेजॉरिटी मिडल में होनी चाहिए और फर्स्ट और सेकंड डिविएशन के अंदर मोस्ट लोग कवर हो जाने चाहिए, 98% लोग कवर हो जाने चाहिए नॉर्मेलिटी कर्व के अंदर। ये बेसिकली बाय द वे एक असम्पशन भी थी कल, शायद मैंने आपको बताया हो और कई बल्कि क्वेश्चन था आपके क्वेश्चंस के अंदर, मैंने ये बताया था आंसर्स के अंदर कि जो असम्पशन हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए वो ये है कि आपकी जो कर्व है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने बताया था, पैरामेट्रिक जो सेम वर्ड है सिर्फ क्वांटिटेटिव का मुतबादिल है, दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा इसको कन्फ्यूज करने की या नए वर्ड समझने की ज़रूरत नहीं है। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम है। अब इसमें आ जाते हैं आपके वेरियंसेस, सम ऑफ स्क्वेयर्स, जो आर स्क्वेयर जिसको हम कहते हैं, फिर इसमें टी टेस्ट है, एनोवा, PSNR, रिग्रेशन, ये सब पैरामेट्रिक के अंदर आते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको ये एजम्पशन बताई थी कि एक तो नॉर्मल ग्राफ होना चाहिए, फिर उनके जो कंपैरिजन ऑफ ग्रुप मीन्स हैं वो थ्रू द सैंपल सेम होने चाहिए, ये उसकी एजम्पशन है। फिर टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी मैंने आपको करके दिखाया था SPSS के अंदर, ये आप स्क्रीन पर देखें रिजल्ट्स जो हमने कल इम्पोर्ट किए थे SPSS से। दो टेस्ट किए थे, कोलमोगोरव, स्मिरनॉफ, शपीरो विल्क, उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एट लेवल ऑफ 0.01 ये हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ब्रीफ कि एंड नोट कैसे किस तरह से साइटेशन इंपोर्ट करनी है गूगल स्कॉलर से,
और उसको फिर वर्ड में इंसर्ट किस तरह से करना है। अच्छा, दोनों साइटेशन के मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, ये देखें जहाँ पे मैं माम हाउस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइटेशन है वो मैंने इंसर्ट किया, और जो बिब्लियोग्राफी है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एंड नोट जो है ना पॉपुलेट कर देता है, ना आपको उसका ऑर्डर सेलेक्ट करना है, ना आप उसका जर्नल और सप्लीमेंट का नंबर करना है, ना पेजेस नंबर करना है, तो सारे ऑटोमेटिक हो जाए, तो ये आधा काम आपका यहाँ से ईजी कर देता है। आज थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे एंड नोट के अंदर, अगर हमें स्मार्ट और से थोड़ा टाइम मिला तो। अच्छा, अब करें जरा आज के बारे में बात। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि एडवांस जर्नल्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है वो यूज होती है। फॉर एग्जांपल, एक कार वाला प्रॉब्लम लेके थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। कार सेल्स हुई हैं, उससे CO2 एमिशंस निकली हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर से ड्राइवर्स की तादाद इंक्रीज हुई है, उसके बाद लेट्स से कि एक्सीडेंट की तादाद भी इंक्रीज हो गई है। अब हमारे पास वेरिएबल्स कितने हो गए, ये मैं आपको बताता हूँ, जरा लिख के आपको सही समझ आएगा। कार सेल्स हो गई थी, अब इससे अब एक इम्पैक्ट निकालते हैं कि कार सेल से आगे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। एक निकाल लेते हैं CO2 emission, दूसरा हमारा आ गया रोड एक्सीडेंट्स, तीसरा हमारा आ गया इलीगल ड्राइविंग। अज्यूम कर लेते हैं हम ये सिर्फ कि अब जो ना पहले था बायवेरिएट प्रॉब्लम, कार सेल्स और CO2 emissions, सिर्फ ये दो वेरिएबल थे हमारे पास। अब मैं आपको कल क्या बताया था कि जो दो वेरिएबल्स तक होते हैं उसको बायवेरिएट कहते हैं, और जो दो से ज्यादा होते हैं उसको हम मल्टीवेरिएट कहते हैं। इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए, इसमें रोड एक्सीडेंट्स हैं, इलीगल ड्राइविंग। अब जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल है बेसिकली ये आपको ये बताती है कि जो सोशल साइंसेस के अंदर अगर आप एक प्रॉब्लम एक्सेस करें तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर किसी को एंग्जायटी है तो उसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि उसका कोई लाइफ के स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसकी हज़ार रीजन हो सकती हैं, उसकी फाइनेंशियल रीजन हो सकती हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा उसकी प्री डिस्पोजिशन टू पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से भी उसको एंग्जायटी हो सकती है, उन स्टिमुलाई के अगेंस्ट जिनके लिए नॉर्मल बंदा जिनसे नहीं घबराता लेकिन वो बंदा घबरा जाता है। तो अब जो सोशल साइंसेस के अंदर मल्टीपल कॉन्स्ट्रक्ट वाले प्रॉब्लम है उनके लिए आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है। अगर आप बता रहे हैं कि जो एंग्जाइटी है उसकी बेसिक रीजन फाइनेंशियल है, तो आपको बाकी वेरिएबल्स भी एनालाइज करने पड़ते हैं, और फिर आपको वेरियंस देखनी पड़ती है कि आया जो उसकी फाइनेंशियल रीजन है वो लार्जेस्ट फैक्टर है उसके एंग्जाइटी के अंदर, या उसके बाकी जो एनवायरनमेंट है वो लार्जेस्ट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, अगर वो अनसेफ जगह के ऊपर रहता है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है उसकी एंग्जाइटी के ऊपर, वो टोटल वेरिएंस जो है फाइनेंशियल सिचुएशन की उसके अंदर से माइनस कर रहा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या कि तो मल्टीवेरिएट प्रॉब्लम है, ये यूनिवेरिएट प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर सिर्फ एक आइटम प्रेडिक्ट कर रहा है एंग्जाइटी। अब आप इस सिचुएशन के अंदर ले लें कार सेल्स जो है ये तीनों चीज़ें आइटम निकालनी है, ठीक है। अब आपने ये तीनों आइटम है ना रोड एक्सीडेंट्स, मैं आपको एक मॉडल बना के बताता हूँ, रोड एक्सीडेंट्स, इलीगल ड्राइविंग, CO2 emissions, ये एक ही चीज प्रेडिक्ट कर रही है जो आपने आपका बेसिक रिसर्च क्वेश्चन है। कल आपको याद हो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव आपके बताया था रिसर्च क्या था, वो ये था कि इंक्रीज पोल्यूशन एंड क्राइम। अब हम इसके अंदर क्राइम में डाल देते हैं क्योंकि जाहिर बात है इलीगल ड्राइविंग जो है ना वो क्राइम के जुमरे के अंदर आता है, रोड एक्सीडेंट है वो भी एक क्राइम है, या इसको समझ लें कि नेग्लिजेंस है, उसके जारी बात है किसी एक बंदे का कसूर हुआ तो वो भी क्राइम्स में आया था। तो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ना ये मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं, CO2 emissions, रोड एक्सीडेंट्स, इलीगल ड्राइविंग। असल में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज पोल्यूशन एंड क्राइम है। आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कार सेल्स होगी, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्स्ट्रक्ट CO2 emissions, फिर रोड एक्सीडेंट्स, फिर इलीगल ड्राइविंग। अच्छा, कार सेल्स का डायरेक्ट इंक्रीज पोल्यूशन एंड क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं, ये मीडिएट हो रहे हैं सारे
थ्रू रोड एक्सीडेंट्स, CO2 इमिशंस एंड इलीगल ड्राइविंग। तो आज हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि ये मॉडल आपने बनाना किस तरह से, इसको विजुअल जो है ना फॉर्म किस तरह से देनी है, इसके जो है ना पास कोफिशिएंट्स किस तरह से कैलकुलेट करने। अच्छा जी, ये हो गया। अब आ जाए थोड़ी उससे जाने से पहले PLS के अंदर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इसकी एग्जाम्पन्स क्या हैं। बेसिक हर चीज़ की बेसिक एग्जाम्पन्स होती हैं। कल मैंने आपको बताया पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए क्वांटिटेटिव डाटा होना ज़रूरी है, उसके लिए नॉर्मेलिटी ग्राफ जो नॉर्मेलिटी ग्राफ वो उसके दरमियान में डाटा का फॉल करना जरूरी है। इसी तरह से जो डिफरेंस हैं PLS के लिए एग्जाम्पन्स के वो भी डिफरेंट है। पहले तो आप ये समझ लें कि जो हम प्राइमरी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते थे, फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं, क्लस्टर एनालिसिस या स्पेस टेस्ट में कर लिया, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की कर लिया, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग कर ली, ये है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस ज़रा इंपॉर्टेंटली समझ लें, ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता। बेसिकली आप ज़्यादातर जो करेंगे कन्फर्मेटरी ही करेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। एक्सप्लोरेटरी के अंदर आपके पास अगर कोई थ्योरी नहीं है, आपके पास सिर्फ डेटा है, आपका ख्याल है कि जो कार की सेल्स है वो पोल्यूशन इंक्रीज करती है, लेकिन आपके पास कोई डेटा नहीं है उसको प्रूव करने के लिए, तो आप बेसिकली लोगों से क्वेश्चंस करेंगे, उनका रिप्लाईज इकट्ठे करके उनका एक डेटा बनाएंगे, और उसके बाद आपने उस सारे डेटा को रन करना है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में, जो आपको क्लस्टर करके बताएगा डेटा कि इसके कितने फैसेट्स बन रहे हैं। आया कि जो हमारे पास मॉडल है जो हमने प्रपोज किया हुआ है, अभी हमने कोई मॉडल प्रपोज नहीं किया, तो हमारा ये जो था तीन फैक्टर जो मैंने आपको उसके ऊपर बताया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि इलीगल ड्राइविंग और रोड एक्सीडेंट्स और CO2 इमिशंस, ये जो है ना मीडिएट करते हैं रिजल्ट के ऊपर जो है पोल्यूशन। तो अगर तो वो ऑटोमेटिकली तीन फैक्टर्स के अंदर क्लस्टर कर रहा है, स्पेसिस जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उसने तीन हमें डिफरेंट फैक्टर्स दिखाए हैं, फिर तो हमारी स्टोरी थ्योरी इस्टेब्लिश हो गई है। तो थ्योरी क्रिएशन के लिए, किसी थ्योरी को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है एनालिसिस का, वो है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर। अगर आपके पास पहले से थ्योरी है मगर आपको पहले ही पता है कि ये थ्योरी क्या है, आपने सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है और आपने कन्फर्म करना है कि जो मेरे पास डाटा है वो थ्योरी को कन्फर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए जो आप एनालिसिस यूज करेंगे उसको कन्फर्मेटरी एनालिसिस कहते हैं। ठीक है जी, बस दोनों वर्ड याद कर लें। एक्सप्लोर का मतलब है ढूंढना, आप उसमें ये ढूंढ रहे हैं कि नई थ्योरी इससे क्या इमर्ज हो रही है मेरे डाटा से। कन्फर्म के अंदर ये है कि आपको पहले थ्योरी का पता, आपने बस कन्फर्म करना है कि आया का डाटा भी सपोर्ट करता है थ्योरी को, नहीं करना, तो इसका एक मॉडल बनता है। अच्छा, जो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स हैं जो अभी तक हम पुराने दौर में यूज़ कर रहे थे SPSS की, और उसकी हम AMOS एक और सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम विजुअलाइजेशन करते थे उसकी, उसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरियंस का टेस्ट यूज़ करते थे SPSS के अंदर, लॉजिस्टिकल रिग्रेशन, ये मेडिकल साइंस में ज़्यादा यूज़ होता है, डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर, मल्टीपल रिग्रेशन बहुत कॉमन है, और कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस ये हम यूज़ करते थे SPSS पे। एक्सप्लोरेटरी के अंदर हम यूज़ करते थे क्लस्टर एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स। अब जो लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं जो पिछले 10 12 20 साल से न्यू जर्नल्स के अंदर पब्लिश हो रही हैं, तमाम एडिटर्स वो मांग रहे हैं और उसकी रिगुलस टेस्टिंग हो चुकी है। आज आपको मैं एक बुक भी दिखाता हूँ जो जोसेफ हायर ने, जो स्मार्ट PLS के फाउंडर हैं, तीन चार लोग हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्कडबुक हैं मार्को शार्स्टेड, उनकी मैंने बुक भी अबल के अपलोड की हुई है गूगल क्लासरूम में, आपके फोल्डर में पड़ी है, वो आप पढ़ें, जिसके अंदर तफसील से उन्होंने डिटेल दी हुई है। तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया स्मार्ट PLS 3, ये सेकेंड जनरेशन टेक्निक्स में आती है। अच्छा, अब ये जो एनालिसिस है ना एक्सप्लोरेटरी और कन्फर्मेटरी, अब ये इस नाम से ख़त्म हो गया। जो स्मार्ट PLS के अंदर है, अब दो मेथड्स हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग बनाने के लिए, आपकी थ्योरी का एक मॉडल बनाने के लिए। एक तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज होता है वो है पार्शियल लीस्ट स्क्वेयर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, PLS-SEM के नाम से याद कर लें। उसके अंदर बेसिकली होता है कि थ्योरी डेवलपमेंट के लिए डाटा इकट्ठा किया, उसके ऊपर एनालिसिस रन किया PLS कंसिस्टेंट एल्गोरिदम का या बूटस्ट्रैपिंग का, वो मैं अभी आपको उसके अंदर जाके दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर में किस तरह से होता है। तो ये बेसिकली थ्योरी डेवलप करने के लिए, थ्योरी को कन्फर्म करने के लिए आपने जो कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूज़ करनी है। अच्छा, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग दोनों में सेम है, ये एक ही काम करते हैं दोनों, सेकेंड जनरेशन टेक्निक्स हैं। और अभी हमारी ये मीटिंग का भी टाइम 10 मिनट रह गया, तो वो आपको मैं हेड्स अप दे दूं कि रीज्वाइन आपको करना पड़ेगा। खैर, अब जो PLS-SEM है इसकी एजम्पशंस जो है ना ये बड़ी रिलैक्स है, इसके अंदर आपको सैंपल साइज बहुत थोड़ा चाहिए होता है। इवन क्या अगर आपके पास हर आइटम के
एक या दो या इवन पांच भी हैं रिस्पॉन्डेंट्स, तो 30 से लेके 300 तक आपका जो ना बेसिक थ्योरी का मॉडल डेवलप हो जाता है. जबकि सीबी जो कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है जो एमोस के अंदर हुआ करता था पहले एसपीएसएस के थ्रू, उसके अंदर आपको बहुत सारी एजम्पशंस मीट करनी पड़ती हैं. एक तो नॉर्मैलिटी होनी चाहिए, जो भी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की एजम्पशंस थी वो इसके अंदर भी रिक्वायर्ड है. फिर ये कि जो आपके अंदर आउटलियर्स वगैरह डाटा के अंदर नहीं होना चाहिए. अच्छा, उसके अंदर एक और चीज़ है कि आपका सैंपल साइज हर आइटम के लिए 5 से 10 आपको आइटम्स चाहिए हर वेरिएबल के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उसकी रिलायबिलिटी. लेकिन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर के अंदर ना आपको ये चाहिए, बल्कि अगर कोई मिसिंग वैल्यूज है तो ये भी उसको भी उसका मीन बना के जो है ना उसका रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा इसके अंदर अच्छी आती है. अच्छा, अब मैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आपको पता चले कि ये मैं बात कर रहा हूँ ये है क्या चीज़. ये आपकी स्मार्ट पीएलएस की विंडो है, ये मैं शेयर कर देता हूँ. ये हो रही है सारों को शेयर? नहीं हो रही. अच्छा, और तो कोई नहीं है जी जिसको विंडो नजर नहीं आ रही? ठीक है जी, आ रहा है सारा को नजर? अच्छा, अब ये जो ना सैंपल विंडो है स्मार्ट पीएलएस की, ठीक है जी. सॉफ्टवेयर आई होप आप लोगों ने सारों ने ट्रायल वर्जन कर लिया होगा. इसके हवाले से थोड़ा मैं ये बता दूं कि जो इसका ट्रायल वर्जन है उसके अंदर 10 से ज़्यादा जो सैंपल्स हैं वो एवेल्युएट नहीं होते. लेकिन इसके फंक्शन को समझने के लिए मैंने आपको पहले ही जो ना सिर्फ 100 सैंपल्स इसके अंदर मैंने लिए हैं. मैं आपको डाटा इंपोर्ट का तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको उसका मॉडल किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको उसके थोड़े जो आउटपुट है उसको एनालाइज करना सिखाऊंगा. अच्छा, अब सबसे पहले तो जब आप विंडो ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह का उसका इंटरफेस नज़र आएगा. ये बल्कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बेसिक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं. ठीक है, किसी और प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं. ये मैं डाटा भी क्लोज कर देता हूँ. ठीक है, इस तरह से ब्लैंक विंडो होगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा. अब बेसिकली आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करके ये आपसे नाम पूछेगा यहाँ पे. ठीक है, कोई जो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाह रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसके नाम से कर लें, थीसिस लिख रहे हैं तो थीसिस के नाम से कर लें, बुक चैप्टर है या जो भी है, जो भी आपके पास डाटा हो उसका आप नाम यहाँ पे कोई डमी एंटर करके ओके कर दें. ठीक हो गया. उसके बाद आपके पास इस तरह का टैब एक बन जाएगा, जिस तरह मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं. ये मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साथ काम कर रहा हूँ न्यू आईपीआईपी के ऊपर, ये आ जाएगा. फिर हमारा उर्दू ट्रांसलेशन का जो प्रोजेक्ट है वो मैंने इसका प्रोजेक्ट एक बनाया हुआ है. फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मैंने अलहदा बनाया हुआ है. ये जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली इसके अंदर पहले से ही होगा PLSSM बुक के नाम से. अच्छा, ये जो हमारी रिसर्च वर्कशॉप है इसको खोल लेते हैं. मैं बल्कि डाटा भी डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे आपको इंपोर्ट करना भी सिखा दूँ. ठीक हो गया, मॉडल भी डिलीट कर देता हूँ, सारा नए तरीके से बताऊँगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए. ठीक है जी, जब आप इस तरह से नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, आपसे दो चीज़ें पूछेगा. एक तो डबल क्लिक टू इंपोर्ट डाटा, जो डाटा जिस तरह से आप एसपीएसएस में इंपोर्ट करते हैं इसी तरह से स्मार्ट पीएलएस के अंदर आपसे मांगेगा कि डाटा इंपोर्ट कहाँ पड़ा है और डाटा लेके आए. ठीक है, अच्छा फिर आप डाटा ले आएंगे, उसके बाद आपने उसका ग्राफिकल मॉडल बनाना है, जिस तरह मैंने अभी आपको उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना के दिखाया था कार्स वाला और पोल्यूशन वाला. वो आप यहाँ पे ग्राफिकल मॉडल बड़ा बेहतरीन बनाएंगे, और उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली उसके पास कोफिशिएंट्स लोडिंग्स वगैरह करेगा. अच्छा जी, पहला काम करते हैं इम्पोर्टिंग डाटा वाला. अच्छा, ये बात आप इसमें याद कर लें कि जो एसपीएसएस और स्मार्ट पीएलएस के अंदर डिफरेंस है डाटा टाइप का, वो ये है कि एसपीएसएस के अंदर आप एक्सेल और सीएसवी दोनों फाइल इम्पोर्ट कर सकते हैं. स्मार्ट पीएस के अंदर आपने सिर्फ सीएसवी फाइल जो है ना आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सेल की फाइल इंपोर्ट नहीं होती. उसे आपने कन्वर्ट किस तरह से करना है, तो जो लोगों को थोड़ा सा आईटी वगैरह का इशू है जिनको नहीं पता, मैं उनको ये भी करके बता देता हूँ. ठीक है, ये मैंने एक्सेल में खोल लिया डाटा, अभी मैंने इम्पोर्ट नहीं किया उसके अंदर. इसको तो मैं थोड़ा सेट करके मैं जरा एक दफा वो कर लूँ, इसको एंटर. ये स्क्रीन शो हो गई जी.
आ रही है जी सारा को नजर, ये मैंने अभी शेयर की, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कोई भी डाटा हो आपने सिंपली फाइल पे जाना है, एक्सेल के जो टैब है फाइल, उसके बाद ये आप सेव एज देख रहे हैं ऑप्शन जब मैं माउस है, सेव एज दबा के आपने जो भी जगह जहाँ पे सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट करें जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं। फिर इसका जो डाटा टाइप है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक्सेल पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, अगर ये पहले एक्सेल है ठीक है, उसे आपने चेंज करके ये जो सी एस वी यू टी एफ 8 कॉमा डिलिमिटेड फॉर्मेट है इसके अंदर क्लिक करना है और सेव कर देना है, ठीक है। मेरे पास पहले से सेव हुआ तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए फिर बता देता हूँ एक दफ़ा दोबारा, ताकि किसी को शुरू से समझ नहीं आई तो वो ये भी देख ले। फाइल में जाना है, ये फाइल पहले मेन्यू सेव एज, जगह सेलेक्ट करना जहाँ सेव करना है, नीचे सेव एज टाइप के अंदर जाके ना ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, इसमें जाके सी एस वी यू टी एफ 8 सेलेक्ट करना है और उसको सेव कर देना, ठीक है। फिर आप ये आपने यू टी एफ 8 वाला ही करना है क्योंकि ये लेटेस्ट फॉर्मेट है, तो इसके अंदर आपने जो है ना ये सारा सेव करके उसके बाद आपने स्मार्ट पी एल एस के अंदर उसको इम्पोर्ट करना है। अच्छा, अब दोबारा चलते हैं जी स्मार्ट पी एल एस की तरफ। शेयर हो गई जी स्क्रीन सारों को, स्क्रीन का थोड़ा बताते रहा करें साथ साथ, ताकि ये ना हो कि मैं यहाँ पे कुछ करता रहूँ और आपको पता ही ना चले। तो जिस तरह से आपको स्क्रीन ना नजर आ रही हो तो करंटली जो है ना वो बता दीजिए कीजिए। अच्छा, अब डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, वो डाटा जहाँ हमने सेव किया हुआ था रिसर्च वर्कशॉप के फोल्डर में, जहाँ पे भी डमी डाटा के क्लिक करेंगे ओपन कर देंगे, ठीक है। मैंने इसके अंदर बाय द वे 100 आइटम्स से कम किए हैं ताकि ये रन हो जाएगा। आपको मैंने बताया था ट्रायल वर्जन के लिमिटेशन है 100 आइटम्स की, लेकिन फंक्शनैलिटी उसकी पूरी है, तो आपको जो सारे स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको इसको समझ आएंगे। ओके कर दें जी, अब आपका डाटा इंपोर्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप ज़बरदस्त चीज़ देखें कि जो एस पी एस एस है उसके अंदर आपको सिंपल डाटा होता था ना, वो कोई कैलकुलेशन रन करता था ना, वो कोई आउटपुट दिखाता था ना, वो कोई मिसिंग वैल्यूज दिखाता था। इसके अंदर ऑटोमेटिकली जिस तरह से आप डाटा इंपोर्ट करते हैं, सारे वेरिएबल्स के नाम जो उसके अंदर है वो ऐड कर लेगा, ठीक है, उनकी नंबरिंग कर देगा। फिर मिसिंग वैल्यूज कितनी है ये देखें, सारे 0000 आ रहे हैं। आज बल्कि मैं जो एक क्वेश्चन साथ अभी डिस्कस हो रहा था, आपने ने पूछा था कि मिसिंग डाटा के हवाले से पेन एंड पेपर की जो हम रिसर्च करते हैं उससे जो हमारे पास सर्वे वापस आते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यू हो तो वो उसको किस तरह से करें, क्योंकि अगर ऑनलाइन किया तो वहाँ पर तो चेक एंड बैलेंस हो सकता है। फॉर्मूलाज वगैरह लगा के हम एक्सेल में गूगल शीट्स के ऊपर हम इंश्योर कर सकते हैं कि कोई मिसिंग डाटा नहीं, लेकिन पेन एंड पेपर के डाटा का किस तरह से करें, तो उसके लिए फिर जो है ना ये चीज़ बड़ी बेहतर है कि अगर आप उसको स्मार्ट पी एल एस में इंपोर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिसिंग डाटा भी दिखा देगा। तो फिर जो मिसिंग डाटा होगा फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस नंबर कौन सा है, किस बंदे का है, आप उसके अंदर से फिर मीन वैल्यूज डाल सकते हैं या उसको रिप्लेस कर सकते हैं या आइटम डिलीट कर सकते हैं, मतलब आपको शो हो जाएगा कि ये सारी ऑटोमेटिकली कर देता है। स्पेशल में तो आपको तो पहले जाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर, और आपको मीन का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके अंदर जिस तरह से आप डाटा इंपोर्ट करेंगे साथ ही वो एनालिसिस रन कर देगा, आपको मीन भी दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, अभी मैंने शॉर्ट किया हुआ हाईएस्ट टू लोएस्ट। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने कल सेम एग्जांपल यूज़ की थी बिग फाइव टेस्ट की, जिसके अंदर हमारे पास 5 बिग डोमेन्स होती हैं और उसके 6 फैसेट्स होते हैं हर डोमेन के। तो ये जो टोटल स्कोर्स ऊपर आ रहे हैं, जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं, ये उनके टोटल स्कोर्स हैं, इस वजह से ये हाईएस्ट मीन इनका है। मैं कोई नया मीटिंग का लिंक भिजवा रहा हूँ क्योंकि एक मिनट रह गया, तो ताकि फिर सारे लोग ज्वाइन कर लें।